इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कॉन्फिगर टेलनेट, यानी कि जो है हम अपने जो भी डिवाइस होता है, राउटर हो या स्विच हो, उस पर टेलनेट को कॉन्फिगर कैसे करेंगे। अभी टेलनेट क्या होता है, इससे क्या फायदा है, जैसे देख लीजिए, यह हमारा एक राउटर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा राउटर जो है दिल्ली में लगा हुआ है और ये राउटर जो है मुंबई में लगा हुआ है, तो ये अलग अलग आपका क्या है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी आपका अलग होगा, लेकिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस भी माध्यम से ये कर रहे हो तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, ये जो मुंबई वाला लोकेशन है, यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है, डिवाइस लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से बैठे बैठे मैं ये जो दिल्ली वाला जो भी राउटर है इसको कॉन्फिगर करो, ठीक है, इसमें जो भी चेंजिंग करना हो वो करो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक सर्विस, एक मतलब कॉन्फिगर करना होगा जो कि आपका होता है टेलनेट। तो ये कैसे करेंगे, चलिए दिखा देते हैं। तो मैं सिंगल एक जो है लैन बनाता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कैसे, यहाँ से एक राउटर, ठीक है। अब इस राउटर में जो है हम डायरेक्ट पीसी जोड़ देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कुछ पीसी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से केबल उठाते हैं और इस सब को ऐसे, तो यहाँ पे इतना आपको नहीं जुटेगा पीसी, बिकॉज यहाँ पे पोर्ट नहीं होता है अधिक, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही पीसी पे आपको दिखा देते हैं, इस सब को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या किया है, हमने एक जो है राउटर ले लिया और एक जो है क्लाइंट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक लैन है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका ये लाइन एक हो गया और एक आपका जो हो जाएगा, यहाँ से इसको दूसरे पर चेंज कर लेते हैं, या ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। आपका एक जो हो जाएगा ये हो गया, ठीक है, यानी कि दो आपका अलग अलग जो है शहर में होगी, जैसे कि मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं कहाँ पे, ये आपका दिल्ली में रखा हुआ है और ये जो क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्लाइंट हम कहीं भी रख सकते हैं, पटना रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, ये कम्युनिकेट आपस में कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने का मतलब होगा कि एक ही नेटवर्क में है ये कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, आप जिस तरह मर्जी उस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये क्लाइंट चाहता है कि हम यहीं से बैठे बैठे इस जो भी राउटर है इसको एक्सेस करें, यानी कि इस नेटवर्क को जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करें, या जो भी मतलब करना है तो उसको क्या करें, मतलब सॉल्व करें या एक्सेस करें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक जो है मतलब टेलनेट करना पड़ता है। तो टेलनेट हम कैसे एक्टिवेट करेंगे या कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए कुछ जो है कॉन्फिगर करना होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो वो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर हमको जो है अगर राउटर को पीसी से मतलब टेलनेट करना हो, एक्सेस करना हो अगर रियली में, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक कंसोल केबल की आवश्यकता होती है, बिना कंसोल केबल का आप नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ से एक कंसोल केबल को अटैच कर लेता हूँ, यहाँ से RS-32 से। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक कंसोल केबल नहीं लगाइएगा या आपका एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हमको क्या करना है, इस राउटर का कमांड हमको इस पीसी पे चलाना है, ठीक है। ऐसे भी जो भी हमारा मतलब रियल डिवाइस होता है तो उसमें तो राउटर आप रहता है, उसमें तो आप कमांड चला नहीं सकते हैं, उसको भी आप क्या करते हैं, किसी न किसी पीसी से अटैच करके, यानी कि कंसोल केबल जोड़ के जो है एक्सेस लेते हैं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ अपने पीसी में और सबसे पहले एक आईपी दे देते हैं पीसी को, ठीक है, यहाँ से चलते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन और जो भी आईपी देना चाहे दे सकते हैं। तो लाइक यहाँ से 10.0.0.2 कर लेते हैं, क्योंकि 1 जो है हम अपने राउटर को देने वाले हैं, ठीक करते हैं। और यहाँ से गेटवे तो नहीं डाल सकता तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ से क्लोज करते हैं, सॉरी यहाँ से फिर से चलते हैं अपने पीसी पे और यहाँ से जाते हैं क्या चीज़ में, डेस्कटॉप में टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ से
इंटर करते हैं। ऐसे रियल आप जो है काम कीजिएगा रियल सिनेरियो पे, तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी जो कि पुट्टी होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पे पैकेट ट्रेसर है, तो हम यहाँ से इससे करते हैं। तो यहाँ से इनेबल की है, उसके बाद में कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए। देखिए जो कमांड आप वहाँ चला रहे हैं वो कमांड आप जो है अपने पीसी पे चला रहे हैं, यानी कि राउटर का कमांड आप अपने पीसी पे चला रहे हैं। तो पहले होस्ट नेम चेंज करते हैं, यहाँ से होस्ट नेम इसे आर रख लेते हैं, आर यानी कि राउटर आपका छोटा हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो इसका कमांड भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप जो है अगर यहाँ पे थोड़ा इसको बैक करते हैं, एक चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जाते हैं पहले इसको आईपी दे देते, बिना आईपी दिए हुए ये कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे आईएनटी तो वही इसका पोर्ट का मतलब F0/0 पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे एक आईपी देते हैं जो कि आईपी है 10 का रेंज का, वो 2 वहाँ पे दिए हैं, 1 यहाँ पे देते हैं, और इसका सबनेट है 255.0.0.0 सॉरी आईपी एड्रेस नहीं लिखे, यहाँ पे लिखे आईपी एड्रेस। अब यहाँ से इंटर कीजिए, तो ये हमारा आईपी लग गया। यहाँ से नो एसएस कीजिए, नो शटडाउन, यानी कि इसका पोर्ट जो है ऑलरेडी शट रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, आईपी यहाँ से पड़ गया। अब देखिए ये दोनों पोर्ट जो है क्या हुआ, ग्रीन हो गया है, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट आपस में कर सकता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं और टेलनेट एक्सेस करने के लिए हमको सीएमडी में जाना होता है। तो सीएमडी में जाते हैं और यहाँ से लिखते हैं टेलनेट, ठीक है, जो भी सामने वाला का आईपी है, यानी कि 10.0.0.1 कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है क्या कर रहा है, टेलनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो इसी को हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है। तो फिर से हम जाते हैं कहाँ पे, टर्मिनल में, यहाँ से ओके करते हैं, हमने आईपी दे दिया, होस्ट नेम दे दिया। अब जैसे हम आपको बताते हैं जब भी आप जो है टेलनेट कॉन्फ़िगर कीजिएगा, तो उससे पहले अपने जो भी राउटर हो या स्विच हो उस पर एक पासवर्ड लगाना होगा। जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाइएगा वो टेलनेट एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है, यह आप खुद करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड लगाते हैं, क्या जी, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, जो कि आपको बताए थे, 1 2 3 कर लेते हैं, इंटर कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पासवर्ड लग गया। अब यहाँ से हम टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, लाइन, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कमांड याद नहीं है तो वर्ड का चिन्ह लगाइए, जो भी है आपका कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं VTY। अब यहाँ पे आपको जो है कमांड चलाइए, मतलब वर्ड का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 to 15, यानी कि ये 0 to 15 क्या है, आप जैसे मान लीजिए कि एक राउटर है और उसमें बहुत सारे क्लाइंट एक साथ में एक्सेस करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक क्लाइंट कितने एक्सेस कर सकते हैं, 16 क्लाइंट, क्योंकि 0 to 15 16 क्लाइंट होता है, आपको कितने एक्सेस करना है। तो हमको काम जैसे मान लीजिए 0 से 4 0 space 4, यानी कि 0 space 4 का मतलब हो गया 5 क्लाइंट, ठीक है, 1 to 4 यानी कि 4 और 1 0, तो 5 क्लाइंट हमारे इस राउटर को एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ से हमको क्या करना है, पासवर्ड लगाना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पासवर्ड जो भी लगाना है 4 5 6 इंटर किए और यहाँ से लॉग इन करते हैं और यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। और कमांड देखना हो तो डू शो रन कमांड चला के यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने एक इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, और एक आपका जो है यहाँ पे हमारा जो आईपी लगा हुआ है फास्ट नेट पे वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, और यहाँ पे टेलनेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया है, अब हम जो है इसको चेक करेंगे कि हमारा एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो हम चाहे तो इस कंसोल कोड को हटा भी सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और इस पोर्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है।
अब जैसे हमारा यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया है, हम चाहे तो राउटर से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आते हैं पीसी में और जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। अब सेम कमांड हम चलाते हैं क्या क्या टेलनेट का। तो यहाँ पे देखिए, अब एक्सेस हमको जैसे ही टेलनेट कॉन्फ़िगर हुआ, हम एक्सेस यहाँ से ले सकते हैं। तो एक्सेस लेने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी आपका पासवर्ड है ठीक है, तो वो हम डालते हैं जैसे 456 टेलनेट का। अब यहाँ पे आपको राउटर में आ गए, यहाँ से इनेबल कीजिए तो आपको इनेबल पासवर्ड मुझे पूछेगा, तो 123 ये हम आ गए। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं, अगर इसका नाम हम चेंज करना हो, कुछ भी चेंजिंग करना हो तो यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं। होस्ट नेम जैसे आर, यहाँ से क्या कर सकते हैं R1, या कुछ भी चेंज करना होगा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर लिए, अब उसका एक्सेस जो है अपने पास ले लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी आपको टेलनेट और भी आगे जो है बहुत सारा प्रैक्टिकल है उसमें देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।